नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आप देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड टिप्स एंड ट्रिक। दोस्तों आप बताइए कि रॉयल इनफील्ड ने इसमें ट्यूबलेस टायर और अराइवल डाल के कैसा किया, कुछ नया ट्राई किया है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि रॉयल इनफील्ड ने हर गाड़ी के अंदर ट्यूबलेस टायर और अराइवल देने चाहिए या नहीं। और यूट्यूब पे इससे पहले सिर्फ आपने फ़ोटोज़ देखे थे, कुछ लीक फ़ोटोज़ थे, पर हम सबसे पहली बार आपको यहाँ पर पूरी रॉयल इनफील्ड की वीडियो दिखा रहे हैं। अब चलिए बात करेंगे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में। रॉयल इनफील्ड के जो पहले का बैकरेस्ट था, पीछे बैकरेस्ट इसमें भी लगा रहने देना चाहिए था, क्योंकि पहले का बैकरेस्ट काफ़ी अच्छा लगता था मेरे को। और एक ये हैंडल बार है, हैंडल बार तो इसमें कमाल ही कर दिया, मज़ा आ गया सच्ची में, ब्लैक कोटेड। इसके अलाइवल की बात करें, अलाइवल काफ़ी बढ़िया है और आगे पीछे जो एक साइड लाइनिंग है ना बाइक, वो इसमें एक अलग ही जान डालती है। और टायर हमारे सिंपल है। कंपनी ने मुझे थोड़ा सा पीछे से नाराज किया है, क्योंकि पीछे जो पहले का लुक था वो काफ़ी बढ़िया था और बैक रेस्ट इसमें पीछे देना चाहिए था, मैं तो यही कहूँगा। आप लोग बताइए आपकी क्या राय है। ओवरऑल गाड़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं आपको सारे जितने भी मेरे पे वीडियोस फोटोस आए थे मैं दिखाता हूँ, और बाकी देखेंगे, बात करेंगे जब गाड़ी हमारे पास आ जाएगी।